सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, SSC MTS का आंसर की आ चुका है, 3 से 4 दिन पहले ही आया, तो मैंने थोड़ा लेट चेक किया, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। तो गाइज, सबसे पहले मैं बताती हूँ आप सबको मेरी एग्ज़ाम डेट क्या थी। तो मेरी जो एग्ज़ाम डेट थी वो 18th of May सेकेंड शिफ्ट में थी गाइज। तो सबसे पहले मैं सेशन वन की बात करती हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट लिए। तो ये बिल्कुल क्या था, नेगेटिव नहीं था, क्वालिफाइंग था, तो सारा ये अटैम्प्ट करना एकदम जाहिर सा बात था। एंड मैंने सारे एक्यूरेसी के साथ ही किया। तो रीजनिंग में मेरा 20/20 सही था। एंड अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो एक सिली सा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो 19/20 आप लोग कह सकते हो, तो 19 स्कोर उसमें आया। तो ये तो सेशन वन की बात थी जो कि बिल्कुल क्वालिफाइंग था, एंड क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ईजी टाइप के ही थे मैं कहूँगी। और अब गाइस बात करते हैं सेशन टू की, जो कि डिसिसिव रहेगा एकदम, सबसे बड़ा रोल जिसका है कट ऑफ डिसाइड होने में। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने GS में कितना अटेम्प्ट किया। तो GS में मेरे जो अटेम्प्ट थे वो थे 18, जिसमें कि मेरा एक रॉन्ग हो गया, 17 मेरे सही हैं। और उसके अलावा अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो मैंने टोटल अटेम्प्ट्स लिए थे उसमें 23, जिसमें कि मेरा एक रॉन्ग हो गया, मीन्स 22 मेरे इंग्लिश में सही हुए एंड 17 मेरे GS में सही हुआ। तो इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूँ नेगेटिव हटा करके आप लोगों को बताऊँ, तो मेरा जो रॉ स्कोर है गाइस वो है 115। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई डोंट बिलीव कि हो पाएगा और कट ऑफ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि एज द रिकॉर्ड सेज कि MTS का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो 90% पे सिलेक्शन मिनिमम रहता है कि किसी भी स्टेट से आपका क्वालिफाई हो जाए। बट इस बार क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग नहीं है और 2 अनप्रिडिक्टिव सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिससे कट ऑफ डिसाइड होगी। तो मे बी कट ऑफ अराउंड 80% रह सकती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 125 के अराउंड, जिसका भी 120 से ज़्यादा जिनके भी रॉ स्कोर है, तो वो काफ़ी सेफ हैं। तो लेट्स गाइज देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा होप नहीं है बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज़ चलिए मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि रैंक IQ मेरी जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो क्या प्रेडिक्ट कर रही है एंड बाकी सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मेरा पॉजिटिव मार्क्स कितना है, 117, और 2 नेगेटिव मार्क्स में चले गए। तो टोटल रॉ मार्क्स जैसा मैंने आप सबको बताया 115 है। एंड देन यहाँ पे एक साथ दिया गया है, बट एक्यूरेसी आप देख सकते हो ओवरऑल मेरी 96% रही। एंड देन जैसा कि मैंने क्वांट के लिए बताया, 19 सही 1 रॉन्ग, सिली मिस्टेक थी वो, और 20 रीजनिंग में सही हुई है। और फिर उसके बाद अगर देखते हैं हम जनरल अवेयरनेस की, तो मैंने 18 अटेम्प्ट करा था, 17 सही है 1 रॉन्ग है। एंड देन गाइज इंग्लिश में 23 मैंने अटेम्प्ट किया था, एक गलत हो गया, एंड देन 22 सही है। एंड गाइज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो भी 2 गलत किए ना, वो मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया, बिकॉज मैं कंफ्यूजन में थी। मुझे लग रहा था कि मैं अटेम्प्ट करूँ इसे या ना करूँ, बट टोटल अटेम्प्ट्स मेरे इन दोनों को लेकर के 41 हुए। तो उस टाइम मुझे ये भी डर लग रहा था कि सिर्फ 39 मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो ये तो खुद में ही बहुत ही कम है, इसलिए मैंने दोनों अटेम्प्ट कर दिए। एंड गाइज दोनों के दोनों ही गलत हो गए, तो मेरा जो 2 मार्क्स जो होता वो भी चला गया नेगेटिव में। बट सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि देखो गाइज, जो भी हो फाइनल रिजल्ट क्या हो, हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता, बट हमारे हाथ में मेहनत करना होता है, तो हमें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों का जो रॉ मार्क्स हो वो काफ़ी अच्छा आया हो। एंड अगर नहीं भी है गाइज, तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस आप अपनी तैयारी एकदम मस्त वाली रखो, जिससे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।